आजमगढ़ में माननीय दिनेश लाल यादव सांसद का सराहनीय कार्य। जनपद आजमगढ़ के वर्तमान सांसद माननीय दिनेश लाल यादव का सराहनीय कार्य लगातार जनता में अपनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। आजमगढ़ के किशनदासपुर ग्राम में अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान सांसद द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है, जिसमें वह जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हुए उस समस्या का तत्कालीन समाधान कर रहे हैं। सांसद के इस कार्य से जनता बहुत ही प्रसन्न। जनता का कहना है कि नेता हो तो हमारे दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसा। कई जमीनी विवाद के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन उन्होंने SDM को फोन करके इसका जल्द से जल्द निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया। वहीं पर जनता उनसे मिलने के बाद खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो रहे हैं और ढेर सारी दुआएं देते हुए कि पहली बार आजमगढ़ में एक सांसद ऐसा है जो जमीन पर खेत खलियान में बैठकर आम जनता की समस्याओं को सुनते हैं। ऐसे सांसद की सभी जिलों में आवश्यकता है। आइए देखिए सरफुद्दीन आदमी के साथ कैमरामैन निखिल कुमार की खास रिपोर्ट। घर में शूटिंग हो रही है और जहां शूटिंग होती है वहीं पे हम लोग जो है जनता दर्शन भी करते हैं और जो भी प्रार्थना पत्र आता है, जो भी जिस विभाग का काम आता है उस विभाग को हम लोग पत्र लिखते हैं और अगर थाने का मामला है तो वहाँ फ़ोन करते हैं। अगर SP सर को फ़ोन करना है उनको करते हैं, DM सर को करना है उनको करते हैं, या कोई लखनऊ का मामला है तो वहाँ फ़ोन करते हैं। अगर कुछ केंद्र का मामला है, केंद्र के किसी मंत्रालय का मामला है तो वहाँ भी, दिल्ली में भी हमारी ऑफिस है और वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं तो वहाँ का मैटर वहाँ भेज देते हैं, वो लोग वहाँ से सॉल्व कराते हैं और यहाँ हम लोग जनता के बीच में बैठ करके उनकी बात सुनते हैं और किसकी क्या समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। सर, जैसा कि रोड का और नाले का भी हमारे एक साथी ने आपसे सवाल किया था जी, तो उस संबंध में कब से जो है ये काम चालू हो जाएगा? सड़कें और नाले और पुल ये सभी हम लोगों ने लिख करके सब विभाग को दे दिया है, जिस जिस विभाग को जाना है, जो उप मुख्यमंत्री जी को देना था उनको दिया गया है, जो PWD मंत्रालय में देना था वहाँ दे दिया गया, जो पूजनीय महाराज जी को देना था उनको दिया गया है और एक एक करके सब पास भी हो रहा है। जैसे बरसात खत्म होगा आप देखेंगे कि ये सब बनना चालू हो जाएगा। विकास के मामले में क्या कहा जाएगा सर? यही कहा जाएगा कि हम सब का कर्तव्य है कि हम काम करें और ईमानदारी से काम करें और जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है तो उनकी हर समस्या पर काम करें और यही सोच रखते हुए हम लोग काम कर भी रहे हैं। और चूंकि हमारे पूजनीय मुख्यमंत्री जी और पूजनीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोग ही गरीबों के लिए काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग उनके सानिध्य में, उनके निर्देश में लगातार जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूर्व में अभी है मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है तो उसके संवेदनशील के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत गहरा दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मैं नेताजी को 2003 में मिला था एक मंच पे और उस मंच पे ही नेताजी ने घोषणा किया था कि इस बच्चे को यश भारती पुरस्कार दिया जाएगा और हालांकि मुझे मिला फिर अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, पर घोषणा नेताजी ने ही किया था और नेताजी से हम लोग काफ़ी प्रभावित हैं भी और जिस तरह से वो ज़मीन पर रह के लोगों के लिए काम करते थे और कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी, कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो उनकी इज्जत नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी से ले कर, मुख्यमंत्री जी से ले कर, राष्ट्रपति जी से ले कर सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं और सब लोगों ने गहरा